हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं स्ट्रिंग क्या है। पाइथन में स्ट्रिंग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें हम कई टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि स्ट्रिंग का डाटा टाइप्स, स्ट्रिंग के टाइप्स, स्लाइस और इंडेक्स के बारे में। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको स्ट्रिंग का कन्फ्यूजन पूरा ख़त्म कर दूँगा। तो लास्ट तक देखना शुरू करिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि स्ट्रिंग कैसे काम करता है पाइथन में। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ तो ये जानना जरूरी है कि स्ट्रिंग क्या है। तो स्ट्रिंग क्या है को समझने के लिए हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में क्या करिए, नीलेट कोर्स ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपको मिलेगा हमारे नोट्स। तो यहाँ पे नोट्स आपको मिल जाएगा स्ट्रिंग के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पे नोट्स स्ट्रिंग का मैं ऑलरेडी नोट्स यहाँ पे डाल चुका हूँ। मैं इधर से दिखाता हूँ, अभी मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग का नोट पब्लिश नहीं किया है इसलिए दिख नहीं रहा यहाँ पर। तो यहाँ पे अभी पब्लिश नहीं है, ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है ये नोट्स, तो इसलिए चलिए। तो यहाँ पर हम समझेंगे स्ट्रिंग को, मैं इसे पब्लिश कर दूंगा, अभी ये पब्लिश नहीं किया गया। तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर कि स्ट्रिंग क्या है को समझ लेते हैं ठीक से। तो इसको समझने में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। पाइथन में स्ट्रिंग या तो सिंगल कोटेशन में रखा जाता है या तो डबल कोटेशन में रखा जाता है। और स्ट्रिंग एक प्रकार से वेरिएबल है जिसमें या तो एक शब्द या तो कई शब्द हम लोग रख सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल में आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि हमने, आप चाहें तो वेरिएबल को हिंदी में भी आप बना सकते हैं, हिंदी में भी आप ले सकते हैं, कि हिंदी में आप यूनिकोड अप्लाई करेंगे तभी ये काम करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक वैर ले लिया है हिंदी में और उसमें मैंने ये वाला डेटा उठा करके डाल दिया और इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो इसी वैर को डालेंगे तो डेटा प्रिंट हो जाएगा। हमने यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर रखा है डेटा को और इसमें कई शब्द हैं। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप हमारा कुछ इस प्रकार से काम करेगा। समझने के लिए, हमारी जो मेमोरी होगी उसमें डेटा हमारा कुछ इस तरीके से होगा। और जैसा कि हमारा जो डेटा जाएगा इसमें एक एक ऐसे चला जाएगा ये वाला डेटा, यानी कि हम कोई और वेर बनाएंगे यहाँ पर तो उसमें जो भी हम डेटा डालेंगे वो अगला डेटा हमारा यहाँ पर क्या होगा, इस वाला ये वाला डेटा जो हमारा होगा वो इस वाले में होल्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से डेटा हमारा एक एक करके होल्ड होता चला जाएगा और ये सब डेटा यहाँ पर फुल होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो स्ट्रिंग डेटा डालेंगे वो होल्ड होता चलाएगा। लेकिन स्ट्रिंग को होल्ड करने के लिए हमने आपको बताया शुरुआत में ही कि सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन का प्रयोग करते हैं। अब हम आपको यहाँ पर इसे रन करके दिखाते हैं कैसे ये रन करता है। तो देखिएगा कि आपको करना है क्या है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो हमारे और वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि यहाँ पे आपको खोलना है ऑनलाइन gdb.com। और इसके बाद खोलने पर आपको यहाँ पर सी लैंग्वेज या आपको जो भी लेना है, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ लैंग्वेज दिया है मैंने, अभी यहाँ सी पे लगा हुआ है। मैं पाइथन को टिक करूँगा, अभी पाइथन जब टिक करूँगा तो यहाँ पर पाइथन लोड हो जाएगा और हम पाइथन में कंपाइल कर पाएंगे प्रोग्राम को पाइथन में। और इसके अलावा भी कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया ये ऑनलाइन कंपाइलर है मेरे हिसाब से, जहाँ पे आप आसानी से रन कर सकते हैं बिना सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए हुए। थोड़ा सा सर्वर स्लो चल रहा है इसकी वजह से ऐसा कुछ लोड होने में, थोड़ा एक बार रीलोड कर दे रहा हूँ इसको। जी बिल्कुल लोड हो गया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पाइथन लोड हो गया यहाँ पर और माई मेन डॉट पाई जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट पाई, पाइथन का एक्सटेंशन ये है। तो ये मैंने यहाँ पर, अब इसको यहाँ पे शुरू करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम लोग स्ट्रिंग को, तो देखिए एक तो मैं यहाँ पर सिंपली कोई स्ट्रिंग को अगर प्रिंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्या करना, उसको लिख देना है
हेलो हेलो आर आई टी आई। ओके, अब इसको जब रन करोगे तो इसका सिंपल ही आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे। और अगर हम इस डेटा को ना प्रिंट करके, मैं यहाँ पर चाहता हूँ हिंदी में डेटा, जैसे वर इक्वल, डबल डबल कोटेशन लगाएंगे हम यहाँ पर, और इसके अंदर हम डेटा रख देंगे। नो, थोड़ा मिस्टेक कर रहा है। आई टी, अब यहाँ पे हम इसी वायर को प्रिंट कराएंगे यहाँ पर। इसको हम यहाँ पर हटा देंगे, वायर लिख दिया, और इसको रन करके दिखाते हैं हम आपको कि हिंदी में रन करता है या नहीं करता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हिंदी में ही आउटपुट हमें मिल गया पूरा का पूरा एकदम से। तो ये कंपाइल करके हमें आउटपुट दे रहा है, बट ध्यान रखिएगा हिंदी में मैंने इसे मंगल फॉन्ट में लिखा है। आप भी अगर मंगल फॉन्ट में लिखेंगे तभी ये रन करेगा। तो एक तो स्ट्रिंग का है, क्या है कि आपको यहाँ पे लिख लिया। अब मैं इसके इसे सिंगल कोटेशन में रखना चाहूँ, ये कोटेशन जो मैं लगा रहा हूँ सिंगल में, वो यहाँ पे सिंगल ऐसे लगा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, ये अब मैं इसे रन करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए अभी भी रन कर रहा है। तो सिंगल कोटेशन में भी हम रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कि पाइथन को हम सिंगल कोटेशन में भी रख सकते हैं और डबल कोटेशन में भी रख सकते हैं। अभी स्ट्रिंग तो समझ में आ गया, स्ट्रिंग को हम लोग मल्टी लाइन स्ट्रिंग में, यानी कि अगर हम स्ट्रिंग के टाइप की बात करें तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग, मल्टी लाइन मैंने होता है एक साथ में हम कई लाइन में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कई लाइन में लिखने का प्रयास करूँ तो क्या होगा, जैसा मैंने इंटर कर दिया है और मैंने यहाँ पर लिख दिया कुछ भी, अब मैं रन करने प्रयास करता हूँ तो ये एरर दे देगा यहाँ पे हमें। यहाँ पे देखिए एरर दे दे रहा है, एरर का मतलब ये है कि ये मल्टी लाइन में सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर मल्टी लाइन सपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल लाइन लगाना पड़ेगा। यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, ट्रिपल लाइन। तो जैसा कि यहाँ पे देखो दिया हुआ है, हम इसको क्या करेंगे, ट्रिपल लाइन लगा देंगे। अब देखिएगा कि जैसे ही ट्रिपल लाइन लगाया हमने, यहाँ भी ट्रिपल लाइन लगाना पड़ेगा। तो ट्रिपल लाइन लगाएंगे, अब देखिएगा प्रिंट वाला हिस्सा बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब देखिए रन करके क्या कर रहा है, देखिएगा आउटपुट पूरा आने लगा सही से एकदम से। तो जो स्ट्रिंग होगा वो ट्रिपल लाइन लगाना पड़ेगा तब मल्टी लाइन काम करेगा। तो सिंगल लाइन तो समझ में आ ही गया था आपको, मल्टी लाइन भी आपको समझ में आ गया यहाँ पे आसानी से। मैंने जो भी प्रोग्राम लिखा है उसका आउटपुट भी लिख दिया है तो आपको आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है प्रोग्राम का, ये आपको मिल जाएगा जो है, ठीक है ना। यहाँ में हमने अब स्ट्रिंग को एज हम वेरिएबल यूज करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग एज है। अब मैं इसको थोड़ा सा अपडेट भी करता रहता हूँ बीच बीच में ताकि मुझे बार दोबारा ना करना पड़े। स्ट्रिंग एज एरे, एरे कैसे यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पर ये मैंने यहाँ पे हटा दिया, अब ये हटा दे रहा हूँ पूरा का पूरा। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग एज एरे यूज करता हूँ, कैसे यूज करना है, जैसे कि वेलकम और हमने कर दिया आर आई टी आई, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें जब अच्छा एरे प्रिंट करना होगा तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। एरे लिखेंगे तो इस तरह से ये एरे का बॉक्स बनाना पड़ेगा और उसके अंदर हमें जो भी प्रिंट करना है वो प्रिंट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरे के लिए यहाँ पे वेरिएबल तो पहले लिखा हुआ है, वेरिएबल के बाद में हमें क्या करना है,
बॉक्स देना है, उसके अंदर हमें लिख देना है वन। अब वन को लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, रन करके देखेंगे कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर वन लिखने पर हमें प्रिंट हो रहा है ई, क्या प्रिंट हो रहा है, ई प्रिंट हो रहा है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे वेरिएबल भी चेंज कर देता हूँ जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ठीक से ये और यहाँ पे भी चेंज कर दे रहा हूँ वैर। और अब मैं जीरो लिखता हूँ, तब देखिए क्या प्रिंट होता है, डब्लू। वन लिखा था तो ये आया था, अब मैंने यहाँ लिख दिया टू, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जीरो वन टू थ्री ऐसे प्रिंट कर रहा है। तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ऐसे प्रिंट करता चला जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया होगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग को एज एरे के रूप में जो, ठीक है ना। अब अगर हम लूप के रूप में यहाँ पर चलाएंगे तो कैसे चलेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर इन, फॉर इन और फॉर इन, और बनाना को हमने डाल दिया यहाँ पर क्या है, इन के अंदर, एक्स के अंदर। तो हम जब प्रिंट कराएंगे एक्स को तो आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे इस चीज़ को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर इन, फॉर इन और सेमी कॉलन लगाना हमको यहाँ पर है, फॉर इन। यहाँ पे हमें किसके अंदर डालना है, मैंने कर दिया वायर के अंदर डालना है। अब वायर मैंने यहाँ पर लिख दिया है ऑलरेडी, ये भी हटा देता हूँ। अब रन करके देखता हूँ क्या आ रहा है, ये एरर दे दिया, सॉरी। यहाँ पे हमने वायर को ही केवल प्रिंट कराना है, ये सब नहीं प्रिंट करना क्योंकि लूप के फॉर्मेट में है। तो अब ये पूरा प्रिंट करना चाहिए था फॉर वायर इन, यहाँ पे डेटा तो प्रॉपर में लिखा हुआ है। अच्छा एक मैंने सिंबल छोड़ दिया यहाँ पर जो डबल कॉलन का था, अभी प्रिंट करेगा। फॉर मेन में लाइन नंबर प्रिंट में एरर दिखा रहा है, बिल्कुल सही दिखा रहा है, उसका रीजन क्या है, यहाँ से आना चाहिए था। देखिए अब समझ लीजिए यहाँ पे गलती क्या हो रही थी, एक्चुअल में ये फॉर्मेट लेता है, अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो ये एरर दे देगा, देखिएगा ध्यान से एरर दिखा रहा है। और जब मैं इसको बैक करके इसको यहाँ ले गया, फिर एंटर किया, देखिए आगे टैब दे दिया, तो ये फॉर्मेट ले लिया एक जो है पाइथन का। अब ये प्रिंट कर देगा डेटा को, देखिए यहाँ पे ये ऐसे प्रिंट कर दे रहा है। तो ये प्रिंट करने का फॉर्मेट है लूप का, और ये फॉर्मेट भी ध्यान रखना है, इस तरह की एरर आ सकती है आपके प्रोग्राम में। तो ये रन करिएगा, और अगर इस तरह की एरर आए तो आप क्या करिएगा कि जैसे मैंने सेट किया वैसे आप सेट करिएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। स्ट्रिंग इन लूप तो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना, कि स्ट्रिंग इन लूप कैसे करेंगे। स्ट्रिंग इन लूप में, लूप में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब लूप के बाद में यहाँ पे ये भी एक एग्जांपल ही है लूप में ही, बट यहाँ पे हमने केवल और लेंथ फाइंड किया, केवल और केवल का फाइंड किया लेंथ। तो मैं यहाँ पर लेंथ भी फाइंड करके देखता हूँ, लेंथ इसको अंडर में डाल देता हूँ, देखता हूँ क्या कर रहा है। ये वन 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 क्यों प्रिंट कर रहा है, वन वन इसलिए प्रिंट कर रहा है क्योंकि हर बार उसको सिंगल कटर मिल रहा है, तो ये इसलिए वन वन प्रिंट कर रहा है। अगर मैं यही चीज़ यहाँ पे इसको इक्वल लगा दूंगा और ये फोर हटा दूंगा, तो इसमें जो डेटा जाएगा वो पूरे को फाइंड करेगा। तो यहाँ पे मैंने ये डेटा डाल दिया, डालने के बाद में ये फॉर्मेट लगा हुआ है इसलिए अब ये प्रिंट कर देगा, 12 करेक्टर प्रिंट कर रहा है, अब टोटल 12 करेक्टर इसमें है। तो इस तरीके से 12 करेक्टर को प्रिंट कर रहा है कि कितने करेक्टर इसमें है। स्ट्रिंग को अगर हम चेक करना चाहते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू फॉल्स का मतलब क्या यहाँ पर है, ट्रू फॉल्स का मतलब ये है कि अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि वो वाला कंटेंट उसमें है या नहीं है, ये कंडीशनल कंटेंट है। आइए आपको ये वाला एग्जांपल मैं रन करके ही दिखाता हूँ सीधा सेम टू सेम,
जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे लिखने का मतलब ये है कि टेक्स्ट मैंने डाल दिया, टेक्स्ट के अंदर इतना डेटा है, उसमें मैंने लिखा कंडीशन कि फ्री वाला डेटा क्या टेक्स्ट में है, फ्री इन टेक्स्ट, तो ये ट्रू और फॉल्स रिजल्ट देगा। अगर होगा तो आपको दिखाएगा ट्रू, और नहीं होगा तो फॉल्स दिखा देगा। तो जैसे मैंने फ्री वन कर दिया तो अब क्या देता है डेटा जो है यहाँ पे आपको फॉल्स। तो ट्रू के सिचुएशन में ट्रू और फॉल्स के सिचुएशन में फॉल्स आउटपुट देगा आपको। देखिए कितना बढ़िया मज़ेदार है यहाँ पे, आपको समझ में आने वाला। अगला अगर हम देखें यहाँ पे तो ये हमें इफ़ के थ्रू दिखाया गया है कि हम इफ़ में कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये बस खाली थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा हमें, ये हटा दे रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे इफ फ्री इन टेक्स्ट, इफ फ्री इन टेक्स्ट, इफ का कंडीशन कैसे लगा रहे हैं, इफ फ्री इन टेक्स्ट, अगर फ्री वाला कंटेंट टेक्स्ट में है तो जो भी हम मैसेज यहाँ देंगे वही प्रिंट कर देगा। यहाँ पे लिखा हुआ है यस फ्री इन प्रेजेंट, तो यहाँ पे यस फ्री इज प्रेजेंट, फ्री इसमें है, तो प्रिंट कर रहा है यहाँ पर है कि फ्री इसमें है। अब चाहे तो आप मैसेज बदल सकते हो। तो इफ के साथ में कैसे यूज करना है, इफ फ्री इन टेक्स्ट, चाहे तो नॉट के साथ में हम चेक कर सकते हैं कि नॉट इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना है, ये नॉट के साथ में कंटेंट दिया गया है, टीएक्सटी में यहाँ पे एक्सपेंसिव कह रहा है नॉट इन टेक्स्ट, तो यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है कि ये नहीं है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ लाइफ, तो द बेस्ट थिंग इज लाइफ, लाइफ में दिया हुआ है। अब मैं चेक करता हूँ तो ये फॉल्स दिखा रहा है, जब ये इसमें नहीं रहेगा तो ट्रू दिखाएगा, जब रहेगा तो ये फॉल्स दिखा देगा। तो ये हमारा उस सिचुएशन में काम करेगा जब हमें वो कंटेंट हो और फॉल्स दिखाना हो, तो हम यहाँ पे चेक इफ नॉट, चेक इफ नॉट का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे है। ऐसे ही इफ के साथ में दिया हुआ है इन था, इफ नॉट दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम चाहें तो इफ नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, चेक इफ नॉट का प्रयोग हमने यहाँ पे लिख दिया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मैंने पिछला वाला बताया था, यहाँ पे मैंने लिख दिया लाइफ, तो इफ यहाँ पे लाइफ, अब यहाँ पे इफ के कंडीशन में फॉल्स ट्रू हो गया है, मैं वन लगाऊंगा तो ये रिजल्ट देगा। यहाँ पर देखा मैंने यहाँ वन लगा दिया, अब मैं रन करूँगा तो ये नहीं मैच करेगा, तो यहाँ पे दिखा रहा है नॉट प्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। और चाहते तो हम यहाँ पर क्या कर सकते थे, एल्स लगा के तब कंडीशन लिख देते, तब ये काम कर जाता। तो यहाँ पे अब पाइथन स्लाइस इंडेक्सिंग क्या होता है, पाइथन में जो स्लाइस है ये क्या करता है कि आपके स्ट्रिंग के कुछ भाग को आपको निकाल करके दे देता है। जैसे कि स्ट्रिंग से कुछ हिस्सा आपको निकाल करके बाहर दे रहा हो, तो इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। हमने यहाँ पर आपको आउटपुट दिखाया है कि पहले में क्या दिया हुआ, हेलो वर्ल्ड, अब हमने यहाँ पर दिया है देखिए हेलो, प्रिंट मैंने किया 2 से 5 तक का, तो ये 0 स्टार्ट करेगा, 2 से 5 तक चलेगा, तो 2 से स्टार्ट करेगा तो 0 1 2, इसीलिए यल से स्टार्ट हुआ। और 2 यहाँ से, अब कुल करेक्टर कितने प्रिंट कराना है यहाँ पर है तो 5 तक प्रिंट कराना है, तो 0 1 2 ये हो जाएगा, 2 3 4 जो है वो 5वें नंबर पहुँच रहा है, तो ये 5th नंबर को छोड़ देता, जो लास्ट होता है उसको क्या करता है, छोड़ देता है। ऐसे ही यहाँ पर हमने इस पर प्रिंट कराया, तो या इसको इधर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 0 स्टार्ट करेगा, तो इसलिए 0 से 5 तक चलेगा, तो 0 से स्टार्ट किया और 5 तक गया। यहाँ पे हमने 0 लिख दिया तो ये 2 से स्टार्ट करेगा, लास्ट तक जाएगा, तो यहाँ 2 से तो स्टार्ट किया पूरा लास्ट तक गया, यानी 0 माने कि लास्ट तक जितना भी होगा ले लेगा। और अगर हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट से स्टार्ट करेगा और लास्ट से इसको काउंटिंग शुरू करेगा। तो जैसे यहाँ पे ORLD लिखा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ
कि ये लास्ट स्टार्ट किया, तो पहले यहाँ पे 0 0 1 2 3, ठीक है ना। अब ये 4 तक तो हमारा जा ही रहा है, देखो 0 1 2 3 4 तक गया, 5 वाला करेक्टर को छोड़ देगा, 5 करेक्टर को छोड़ देगा, तो 4 से स्टार्ट करेगा। तो ओ से स्टार्ट किया, आर एल डी, और ये लास्ट वाला करेक्टर क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये 0 नहीं है यहाँ पे, अगर 0 होता तो ले लेता, तो ये 0 इसमें आएगा भी नहीं, 0 इसमें आएगा भी नहीं 1 से, तो एक करेक्टर इसमें लास्ट को छोड़ना पड़ जाएगा हमें जो है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं इसका। तो ये जो है लास्ट वाला का -1 लिखा हुआ, यानी कि यहीं तक चलेगा, ये हो गया -0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे चलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आउटपुट आया। हम चाहें तो इसको रन करके भी दिखा सकते हैं कैसा आउटपुट आने वाला है इसका। तो मैं यहाँ पर देखिएगा, मैं इसे हटा देता हूँ पूरा का पूरा, रिमूव किया, और अब रन करके देखता हूँ तो क्या रिजल्ट आता है। तो देखिएगा ये रिजल्ट आ रहा है इसमें। स्लाइस के बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे इंडेक्स की। तो द इंडेक्स मेथड फाइंड द फर्स्ट अकेरेंस ऑफ द एक्सप्रेशन, ये क्या करता है, पाइथन का इंडेक्स मेथड लेता है। इंडेक्स मेथड में क्या होता है, किसी की इंडेक्स को लेता है। आइए आपको एक आउटपुट दिखाते हैं इसका कैसे काम करेगा। यहाँ पे मैंने इंडेक्स ले लिया है। अब यहाँ पे ये फाइंड करेगा कि क्या ये इस इंडेक्स में है या नहीं है। तो यहाँ पे वेलकम इसमें है, और उसका कौन सा इंडेक्स नंबर है, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 नंबर से स्टार्ट हुआ, इसलिए 7 यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। तो इंडेक्स का मतलब ये फाइंड करेगा कि किस इंडेक्स पर यहाँ पे ये वाला करेक्टर स्टार्ट हो रहा है। तो इंडेक्स से हम यहाँ पे ये फाइंड कर सकते हैं। तो ये इंडेक्स का प्रोग्राम था। आप इस प्रोग्राम को पूरा स्टेप बाय स्टेप अपने कंप्यूटर पर ये वाला एप्लीकेशन वेबसाइट ओपन करके ऑनलाइन कंपाइलर और रन कर लीजिए। और फिर भी आपको कुछ डाउट्स होता है तो हमें कमेंट ज़रूर करिए, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो हमें थोड़ा सा उम्मीद बनेगा कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा, आपको कुछ बेनिफिट्स हुआ। अगर आपको सचमुच में कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है तो कमेंट करिए हमें, और लाइक और शेयर जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि इसी से हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है वीडियो को आगे बनाने के लिए जो है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।